Hello everyone, hello boys and girls. Today we'll start with video 2 of asexual reproduction. In case video 1 is still pending, go to the channel, go to the playlist and cover up the video. If you haven't subscribed, to subscribe bhi karo. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और आगे की टाइप्स को बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम बना के उसी में सारी एक्सप्लेनेशन करके मैंने कवर अप करा है. मतलब आपको थ्योरी याद ही नहीं करनी है, डायग्राम याद करना है, उससे सब कुछ हो जाएगा. डायग्राम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक किसके साथ? फ्रैगमेंटेशन के साथ. फ्रैगमेंटेशन क्या है? जस्ट लाइक फिजन यार, फिजन में भी पेरेंट जो है वो खुद को सैक्रिफाइस कर लेता था चिल्ड्रन में. सिमिलर इज फ्रैगमेंटेशन. इसमें भी पेरेंट मेच्योर होके खुद को सैक्रिफाइस कर लेगा खुद के चिल्ड्रन में. बस यहां पे अपन चिल्ड्रन को डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे, अपन चिल्ड्रन को बोलेंगे फ्रैगमेंट्स, यानी कि पीसेस. ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है. बस इसमें एक यूनिक बात क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं. लेकिन कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये वर्ड बड़ा टिपिकल सा है यार, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. का इजी मीनिंग बताता हूं. ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं, यानी कि फ्रॉम हेड टू टेल उनकी पूरी बॉडी में एक ही टाइप का सेल होता है. बहुत सारे सेल होते हैं तभी तो मल्टी सेलर है, लेकिन वो सारे एक जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे स्पाइरोगायरा. ठीक है, क्लियर? देखो अब इसमें क्या है, ये बेबी स्पाइरोगायरा है. अभी ये खुश है, अभी इसके खेलने कूदने के दिन है, अभी ये मस्ती कर रहा है. क्यों? उसको रिप्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये बेचारा मैच्योर हो गया. अब ये टेंशन में आ गया, सराउंडिंग्स फेवरेबल होने लग गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खुद को ब्रेक डाउन कर लेगा. किसमें करेगा? खुद के बच्चों में, यानी कि खुद को सैक्रिफाइस कर लेगा क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन करना है. ये देखो यहां से स्प्लिट होना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इट इज इन द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज इन द प्रोसेस. ठीक है, थोड़ी टाइम बाद क्या हुआ, इसने खुद की बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ये तीन पार्ट्स क्या है? ये इसके बच्चे हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट्स. दिस इज नॉट फिशन. आप इसमें डॉटर सेल्स नहीं बोलोगे, आप इसमें बोलोगे फ्रैगमेंट्स. ठीक है, वेरी इजी. देखो डायग्राम कितना इंटरेस्टिंग है. जैसे मैंने नीटली डायग्राम बनाया है, आप लोग भी इतना ही नीट डायग्राम बनाओ, डायग्राम में ही सारी थ्योरी कवर अप हो जाएगी यार. ठीक है, तो ये इसके फ्रैगमेंट्स है. अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं होता फ्रैगमेंटेशन में कि एक पेरेंट एग्जैक्टली तीन ही चिल्ड्रन को बर्थ देगा. नहीं, ये जरूरी नहीं है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. एक रैंडम एग्जाम्पल दिया मैंने आपको तीन का. बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करेंगे विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कौन करेंगे भाई? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करेंगे विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स में एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. एनिमल में कौन करेगा? फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है, कौन करेगा एनिमल में? फ्लैट वॉर्म्स. इजी है बहुत, तो एक बार वीडियो पॉज करो, या तो इसे कॉपी करो या इसका स्क्रीनशॉट लो. देखो कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक. अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नई कैटेगरी, रीजेनरेशन. रीजेनरेशन यानी कि दोबारा से जेनरेट होना. इट इज वेरी मच सिमिलर टू फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन से वैसे काफी सिमिलर है, लेकिन बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, वो भी बताऊंगा. टॉपिक कवर करेंगे विद अ वेरी नीट डायग्राम, उसी में थ्योरी, उसी में सारी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ कवर हो जाएगी. डायग्राम मैंने खुद ने बनाया, तो आप भी जरूर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा बेबी प्लेनेरिया, अभी वही बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है, खेलने कूदने में मस्त है. धीरे धीरे क्या हुआ, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया. अब टेंशन चालू, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि जैसे ही सराउंडिंग्स फेवरेबल होगी इसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी. ठीक है, और रीजेनरेट करेगी दोबारा से एक नए इंडिविजुअल में, यानी कि बेबी प्लेनेरिया में. इसमें भी पेरेंट खुद को मार लेगा और चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. सैक्रिफाइस है ना, जो अभी तक अपन सब में पढ़ रहे हैं. अब देखो इसमें और अपने फ्रैगमेंटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है, अपर बॉडी शेप और लोअर बॉडी शेप अलग अलग है. आप उसको बोल सकते हो हेड और इसको बोल सकते हो टेल. फ्रैगमेंटेशन में फ्रॉम हेड टू टेल पूरी बॉडी सिमिलर थी, कहीं डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसमें हेड की शेप अलग है, टेल की शेप अलग है. यानी कि ये थोड़ा सा, अगर अपन बोले कि ज्यादा, थोड़े ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म है रिप्रोड्यूस करने का.
तो भाई अब जब ये मेच्योर हो गया, कंडीशंस फेवरेबल हुई, ये ब्रेक डाउन हो गया तीन टुकड़ों में, जरूरी नहीं है तीन हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ब्रेक डाउन कभी एक्सीडेंटली भी हो सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं कि अपने आप ही हो, कभी एक्सीडेंटली भी हो गया अपनी वजह से, भाई छोटे ऑर्गेनिज्म से दिखते नहीं है, एनिमल वगैरह प्लांट्स की रूट्स की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, क्या, स्पेशल सेल्स जो क्या करते हैं, प्लोरिफेरेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, ये रीग्रो कर जाते हैं, मतलब यार अगर जैसे एग्जांपल अपनी फिंगर टूट गई, कट गई, तो क्या दोबारा उग जाएगी, नहीं, बिकॉज अपन तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी के बॉडी के सेल्स इस फिंगर की सेल्स को रीग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल, ये अलग अलग है, लेकिन इसके सेल्स आपस में रिजेंबलेंस रखते हैं, तो अगर बॉडी कहीं से टूट गई तो वहां पे ये स्पेशल सेल्स जो प्रेजेंट है वो इसको रीग्रो करा देंगे, क्योंकि ये सेल्स प्लोरिफेरेट करते हैं। क्या होगा, आप देखो, ये जो मेच्योर था पेरेंट, ये खुद इसने ब्रेक डाउन किया खुद की बॉडी को, और ये तीन नए बच्चों में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहां से ये देखो रीजेनरेट हुआ, ये भी रीजेनरेट हुआ, और ये तीसरा पार्ट भी रीजेनरेट हुआ। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों रीजेनरेट करेंगे, हो सकता था कि थर्ड पार्ट ना करे, इसका मतलब कि भाई दो पार्ट में रीजेनरेशन हो गया, तीसरा जो है वो डेड रह गया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक ये रीजेनरेट नहीं करेगा पूरे इंडिविजुअल में, जब तक इस स्टेप से फोर्थ, थर्ड से फोर्थ पे नहीं जाएंगे ना अपन, जब तक अपन इस ऑर्गेनिज्म को डेड कंसिडर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन द स्टेप थ्री दिस ऑर्गेनिज्म इज डेड, नाउ इन स्टेप फोर ये अगेन लिविंग बन जाएगा इफ इट रीजेनरेट्स कंप्लीटली। ठीक है, तो ये बड़ा ही इजी सा मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन करने का, जिसका सबसे बड़ा जो बेस है, सबसे बड़ा रोल है, वो है स्पेशल सेल्स का। अब आगे पढ़े, देखो कौन करता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉट हाईली डेवलप्ड बॉडीज लाइक ह्यूमंस, अपन रीजनरेशन नहीं कर सकते, एनिमल्स बर्ड्स नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इतने वेराइटी ऑफ सेल्स और टिश्यूज नहीं होते हैं। इनकेस इसका कोई बॉडी पार्ट कट गया या टूट गया, तो ये नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। कौन कराएगा, सेल्स कराएंगे जो प्लोरिफेरेट करते हैं। एग्जांपल्स कौन हो सकते हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा पता है आप, एक एग्जांपल, एक इसी हाइड्रा को एक कैटेगरी में और पढ़ोगे, बडिंग में। हाइड्रा के पास दो ऑप्शन हो गए, ये रीजेनरेशन भी कर सकता है और ये बडिंग भी कर सकता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर सेल्स प्लोरिफेरेट नहीं कर पाए, यानी कि मल्टीप्लाई होके पूरी बॉडी को कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन तो फेल हो गया। हो सकता है तीनों पार्ट्स ही रीग्रो ना करे, हो सकता है तीन में से एक रीग्रो ना करे, सो इट डिपेंड्स ऑन, मान लो यार इसका लक, इसकी किस्मत, कंप्लीटली नेचर है, रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल फिनोमेना, तो यह कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि इसके कितने पार्ट्स होंगे, कितने रीजनरेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर। ठीक है, इजी है, देखो है ना डायग्राम, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप भी इसको क्या करो, कॉपी मत करो, मतलब देख देख के बना लो, चाहे बेटर ये रहेगा, प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि डायग्राम में ही देखो सारे डिटेल्स भी कवर हो गई। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग। बडिंग इज अ वेरी यूनिक रिप्रोडक्शन जो सबसे कॉमनली विजिबल होता है हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है, एक सिंपल बॉडी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जो आपको एक और एग्जांपल में मिला था, किसमें याद है क्या, आपको मिला था रीजेनरेशन में। यह हाइड्रा आपको बडिंग में भी मिल रहा है। बडिंग में क्या होता है, जब हाइड्रा ग्रो होता है तो नेचुरली उसकी बॉडी में से कहीं से भी एक एक्स्ट्रा बड निकल जाता है, या जैसे वो नहीं होता जिंजर अदरक, कहीं से भी फैल रहा है, कहीं से ही फैल जाता है, इधर उधर जिगजैग, सारे अदरक देखने में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सिमिलरली हाइड्रा भी कहीं से ही फैल जाता है। रीजन क्या है बड आने का, रीजन होता है रिपीटेड सेल डिविजन, कंटिन्यू उसके सेल डिवाइड होते रहते हैं, कहीं पे थोड़े एक्स्ट्रा डिविजन हो जाता है, उसकी वजह से एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं आउट ग्रोथ। अगर वो आउट ग्रोथ
पेरेंट्स से कनेक्टेड रहा, उसको फूड और वाटर सप्लाई होता गया, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी कि बड बन जाएगा। बड से वो बेबी हाइड्रा बनेगा, बेबी से वो मेच्योर हाइड्रा बनेगा, और वो क्या करेगा, वो खुद को पेरेंट से अलग कर लेगा। करें करें इसको देखो ढंग से, डिटेल में डायग्राम देखते हैं। ये हमारा बेबी हाइड्रा है, ठीक है, इसके जो अपर पार्ट है उनको टेंटिकल्स बोलते हैं। अभी रिप्रोडक्शन में हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं इसकी, इस छोटे से आउटग्रोथ की। क्यों हुआ ये आउटग्रोथ? सेल डिविजन की वजह से ये आउटग्रोथ हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये बेबी हाइड्रा जब पेरेंट हाइड्रा बना, तो क्या हुआ, ये आउटग्रोथ भी बढ़ता गया और ये बन गया बड। क्यों बना ये बड? क्योंकि यहां पे रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है, यहां कंटिन्यू सेल्स रीजेनरेट होते गए और ये एक बड बन गया। आ गया ना देखो रीजेनरेशन, तो ये एक तरीके से उसी की कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये रीजेनरेशन हुआ, धीरे धीरे देखो ये बड और बड़ा हुआ, ये बन गया बड से मेच्योर बड। पेरेंट वैसा का वैसा है, बड अलग से मेच्योर हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बड पूरा मेच्योर होगा, कंडीशंस फेवरेबल होगी, तो ये खुद को पेरेंट से अलग कर लेगा। तो अब हाइड्रा इज अ यूनिक वे टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज इसमें पेरेंट को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। देखो पेरेंट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि पेरेंट खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा तब जाके बच्चे होंगे, इस बार नहीं हुआ। इस बार इनमें अक्कल आ गई, इनमें अक्कल आ गई यार कि खुद को क्यों डिस्ट्रॉय करें, ऐसे ही पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बार देखो खुद को डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं करा, है ना, बड़ा नीट डायग्राम। तो आप डायग्राम बनाओगे, उसमें लेबलिंग करोगे ना, उससे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, अलग से कुछ लर्न करने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन, अनदर वे फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? द मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल वे टू रिप्रोड्यूस। इसमें भी पेरेंट्स को कोई नुकसान नहीं होता है, पेरेंट्स खुद का सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं करता है, पेरेंट्स में से चाइल्ड अलग से ग्रो होते हैं। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है अभी तक जो अपन ने पढ़े उन सब में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा सक्सेसफुली प्रोड्यूस होते हैं। देखो ब्रेड मोल्ड प्लांट राइजोवस, ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी ये बेबी प्लांट है, अभी कोई रिप्रोडक्शन की टेंशन नहीं है। फिर क्या हुआ, ये मेच्योर हो गया। देखो इसके ऊपर का जो बड है वो छोटे छोटे येलो बड्स दिख रहे हैं आपको, उसमें ब्रेक हो गया और एक थिक हार्ड कवरिंग आ गई, यानी कि वही कटप्पा आ गया इस बाहुबली को बचाने। थिक स्पोर केस जो आपने मल्टीपल फिजन में पढ़ा था, नोन एज सिस्ट, यहां बोलते हैं उसको स्पोर केस। अंदर के जो बड्स है वो है स्पोरेंजियम, ठीक है। ये हमारा राइसोवस प्लांट है, ब्रेड मोल्ड प्लांट, ये इसकी रूट्स है। इसको बोलते हैं वैसे हाइफे, क्या बोलते हैं, हाइफे। हाइफे का रिप्रोडक्शन में देर इज नो यूज, हाइफे का यूज नहीं होता, मेन यूज होता है स्पोरेंजियम का, सबसे मेन काम इसका है, क्योंकि इसने एक सिंगल बड को छोटे छोटे बड्स में ब्रेक कर दिया और उनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग आ गई। अब ये कवरिंग कब तक रहेगी? जब तक अंदर के बड्स मेच्योर नहीं हो जाएंगे, डेट इज उनमें कैपेबिलिटी नहीं आएगी एक नए प्लांट में ग्रो होने की। सराउंडिंग्स अगर अनफेवरेबल है तो भी ये प्रोटेक्टिव वॉल रहेगी। फेवरेबल होने के बाद अगर ये बड्स मेच्योर हो गए तो ये अपनी कवरिंग ऐसे ब्रेक हो जाएगी और ये बड्स बाहर निकल जाएंगे, सॉइल पे गिरेंगे। हो सकता है कि कुछ बड्स पानी में चल जाएं, कुछ जमीन पे आके खराब हो जाए, लेकिन मैक्सिमम बड्स तो आसपास सॉइल में गिरते हैं। तो उससे क्या होगा, जब ये बड्स गिरेंगे तो नए राइजोवस प्लांट को जन्म देंगे, ठीक है। ये इसकी स्टेम है, ये हाइफे है, और ये इसका स्पोर केस बस्ट हो गया, लेकिन कब हुआ, इन फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। देखो सेफेस्ट एंड सक्सेसफुल वे, स्पोर केस क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। स्पोर्स किसमें कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, न्यू प्लांट। हाइफे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो स्पोरेंजियम है वो ही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एक गेम खेलते हैं मैच द फॉलोइंग का, आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। आज जो भी अपन ने चार टॉपिक्स कवर करे हैं
ये उन्हीं पे बेस्ड एक क्विक रिविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें छुपी हुई है, तो एक बार खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्ट करें, देखो स्पायरोगायरा एंड फ्लैटवर्म्स, मुझे मैच करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन से। तो स्पायरोगायरा और फ्लैटवर्म्स ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही फ्रैगमेंटेशन करते हैं, ये मैच हो गया। स्पेशलाइज्ड सेल्स इन रीजेनरेशन, रीजेनरेशन तो यार वो ऑर्गेनिजम्स होते थे याद करो जो बॉडी को वापस से रीग्रो कर लेते थे, कटे हुए पार्ट से वापस से बॉडी निकल जाती थी, यानी कि रीजेनरेशन जो है वो प्लोरिफरेट करेंगे, क्या करेंगे प्लोरिफरेट करेंगे। नेक्स्ट, बड अराइजेस ड्यू टू, बड किस में आता था बडिंग में, बड किस में आता था बडिंग में, कौन लाता था हाइड्रा, अपन ने डायग्राम भी करा था है ना। तो बड अराइजेस ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होने लग जाते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा, तो वहां पे बॉडी जो है एबनॉर्मल शेप ले लेती है, तो उस एबनॉर्मल शेप को ही तो बड बोला जाता है। ब्रेड मोल्ड प्लांट इज ऑल्सो नोन एज राइजोवस, ये आपने किस में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन में, विच वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल वे ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने अपन ने आज तक पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव थिक केस, ये तो कटप्पा है, कौन सा कटप्पा है भाई, ये है अपना स्पोर केस, ये रहा स्पोर केस। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपके राइजोबस प्लांट का बेस हुआ करता था, बेस यानी कि जहां पे सॉइल और रूट्स आ जाती थी, उसको अपन बोलते हैं हाइफे, क्या बोलते हैं हाइफे, ठीक है। तो अगर आपने खुद से ट्राई करे हैं तो वेरी गुड, एक बार आंसर्स चेक करो, नहीं करे तो कोई बात नहीं, अब एक बार ट्राई कर लो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो टू, चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करे हैं अपन ने। अब आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, जब भी मैं वीडियो 3 डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो 3 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें अपन पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, प्लांट्स का यूनिक वे होता है रिप्रोडक्शन करने का, नेचुरल वेज, आर्टिफिशियल वेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना के। टिल देन एंजॉय करो, बाय।